अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू कुकिंग टाइम चैनल। कैसे हैं जी सब? मैं आज बना रही हूँ गर्मियों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा ठंडा ठंडा सा ड्रिंक बना रही हूँ, मैंगो स्क्वाश, और बहुत ही मज़े का और झटपट बन जाता है। चलें जी देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। और मैंगो स्क्वैश या मैंगो ड्रिंक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं जी 3 मैंगो। ये देख लें आप, इतने बड़े साइज़ के हैं, ये तकरीबन 1 kg से ज़्यादा हैं। और एक मैंने कैरी ले ली है, और ये खट्टे वाली है थोड़ी सी। अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसकी जगह पर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इन सारी चीज़ों को पील ऑफ कर लेंगे और छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे इसके। और ये देखें मैंने इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। और मेरी जो कैरी थी वो इतनी खट्टी नहीं थी, वो भी मीठे वाली थी, बिल्कुल येलो निकली अंदर से, लेकिन सॉफ्ट थी थोड़ी सी, बिल्कुल पकी हुई नहीं थी, और ना कच्ची थी ना पक्की थी, बस सेंटर में थी दोनों के। ये देखें इस तरह से थी। और अब हम इन सारी चीज़ों को जो है ब्लेंडर जार में डाल के ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से। अगर आपको थोड़ा सा पानी रिक्वायर्ड हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं पहले यहाँ पर पके हुए मैंगो करूँगी क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं, इजीली हो जाएंगे, और फिर उसके बाद जो है वो हम अपनी कैरी ऐड कर देंगे उसमें। और ये मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी साथ, ताकि अच्छे तरह से ब्लेंड हो जाए। और इनको फाइन सा हमने ब्लेंड करना है, बिल्कुल कोई भी चंक्स वगैरह नहीं रहने चाहिए इसमें। और जो बाकी के मैंगो बचे हुए थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, और थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूंगी ताकि ईजीली ब्लेंड हो जाए, ब्लेंडर का ज़्यादा ज़ोर ना लगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, अच्छी तरह से इसको भी ब्लेंड कर लेंगे। और मैंगोस हमारे अच्छी तरह से ब्लेंड हो गए हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसमें 2 ग्लास पानी ऐड कर देंगे और फ्लेम ऑन करेंगे। इसके अंदर हम 2 कप शुगर ऐड कर देंगे। अगर आपके मैंगोस ज़्यादा खट्टे हैं तो आप उसमें ज़्यादा शुगर भी ऐड कर सकते हैं। मेरे मैंगोस बहुत ज़्यादा मीठे थे, और जो मैंने उसमें कैरी ऐड की थी वो भी बहुत ज़्यादा मीठी थी, खट्टी बिल्कुल भी नहीं थी, बस बिल्कुल माइनर सी खट्टी थी वो, तो इसलिए इसमें मैं कम शुगर ऐड कर रही हूँ। और ये देखें ये अच्छी तरह से पकने लग गया, शुगर डिज़ोल्व हो चुकी है इसके अंदर। और अब हमने जो मैंगो अपने ब्लेंड करके रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर देंगे, सारे एक ही बार ऐड कर देंगे। और ये देखिए मैंने सारा मैंगो का पल्प जो था वो इसमें ऐड कर दिया है, और अब हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। इतना पकाना है कि ये अपनी क्वांटिटी में बिल्कुल हाफ रह जाए, बिल्कुल इसको थिक सा होना चाहिए। इसके थिक होने तक हम इसको पकाते रहेंगे। और यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ येलो फूड कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आप लाइक करते हैं तो डालिए, इससे कलर बहुत अच्छा बिल्कुल फ्रेश सा हो जाता है। फिर से इसको मिक्स कर देंगे, और जब ये पकना स्टार्ट हो जाएगा, बबल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे इसकी साइड्स पे, तो फिर हम इसको जो है वो कवर कर देंगे। और ये देखिए मैंने कलर ऐड किया था, कलर इसका कितना अच्छा हो गया, बिल्कुल फ्रेश सा हो गया है। और यहाँ पर हम इसको लिड लगा के रख देंगे पकने के लिए। और ये देखें यहाँ पर इसको पकते हुए ऑलमोस्ट 25 से 30 मिनट्स हो चुके थे। और ये देखें आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं, इसकी आवाज़ से भी आइडिया हो रहा होगा कि इतना थिक हो गया। ये देखें बिल्कुल जेली टाइप हो गया, अभी ये ठंडा होगा तो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें लेमन जूस 2 टेबल स्पून, और ये है जी सिट्रिक एसिड टार्टरी, ये 1 टीस्पून ऐड करनी है। इससे हमारा जो ड्रिंक है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हम इसको प्रिजर्व करने के लिए और कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, तो इसलिए टार्टरी जो है वो प्रिजर्वेटिव का काम करेगी। और थोड़ा सा बस इसको और पका लेंगे, ताकि जो हमने इसके अंदर सिट्रिक एसिड जो टार्टरी ऐड की है वो थोड़ी सी इसमें मिक्सअप हो जाए, और लेमन जूस भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और फिर इसको जो है वो रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और ये देखें यहाँ पर हमारा जो स्क्वैश हमने रेडी किया था वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पर आ गया है। ये देखें मैं अभी आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करवाती हूँ, ठंडा होकर और ज़्यादा थिक हो गया। ये देखें कितनी मज़े की इसकी थिकनेस हो गई है,
बहुत मज़े का बनता है, बहुत ज़्यादा मज़े का। और बाज़ार के मैंगो जूस को तो आप बिल्कुल भूल जाएंगे, एक बार आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। और फिर हम कोई भी एयर टाइट जार लेंगे, उसके अंदर इसको भर के रख लेंगे। और आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो जार है, जो भी पैन है, बर्तन है, जिसमें भी आप इसको निकाल रहे हैं, रख रहे हैं, वो बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो है वो हम थोड़ा सा स्क्वैश रेडी भी कर लेते हैं पीने के लिए, इतना मज़े का लग रहा है। ये जग के अंदर मैंने पानी डाला था, 3 से 4 ग्लास पानी, और उसके अंदर मैंने स्क्वैश डाल दिया था, और फिर आइस क्यूब्स भी उसमें ऐड कर देंगे। और ये देखें जी, मज़े मज़े का हमारा ड्रिंक रेडी हो गया है। और इसमें हल्के हल्के से, बिल्कुल माइनर से जो है ना, वो चंक्स आ रहे थे मुँह में, पल्प सा जैसे होता है वैसे था। तो अगर आपको ये पल्पी नहीं बनाना, तो आपने इसको रेडी करने के लिए, जैसे अभी मैंने जग में पानी और बर्फ़ ऐड कर दी थी, तो आपने इसको जो है वो ब्लेंडर जार में डाल के फिर से ब्लेंड कर लेना है, और पानी और बर्फ़ भी अंदर ही डाल के तो इसको ब्लेंड कर लेना है, तो ताकि इसके जो हल्के से माइनर सा इसका अंदर पल्प आ रहा था, वो भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, है ना मज़े की रेसिपी। और साथ साथ मैं टिप्स भी देती रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मुझे पता है वो सबको पता होना चाहिए। बस मैं जल्दी से सबको, फटाफट से सब कुछ अच्छा अच्छा सा जो है वो बता दूं, ताकि सब मज़े मज़े से बनाएं, पिएं और इन्जॉय करें। आई होप आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं जी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।